नमस्ते दोस्तों, 1 टेबल स्पून दालचीनी पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इलायची, लौंग, काली मिर्च, 2 बड़े कटे हुए प्याज, 3 बड़े कटे हुए टमाटर, 3 हरी मिर्च, 3 प्याज को चॉप करके रख लेंगे, तैयारी कर लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई पैन पे चढ़ा देंगे गरम होने के लिए। उसके बाद कढ़ाई गरम हो जाए तेल डालकर, उसको तेल को गरम होने पर रख देंगे। तेल गरम हो जाने पर आप धीरे से फिर एक एक जो सामान आपको डालना है वो डालते रहिए। पहले प्याज डालिए, प्याज डालकर थोड़ी देर तक भूनना पड़ेगा उसको, थोड़े देर 5 मिनट तक उसको। साथ में काली जीरा और हींग, इलायची एक साथ डाल दीजिए। उसके बाद डालने के बाद आप अच्छे से उसको हिलाते रहिए, जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए उसको, तब तक अच्छे से हिलाते रहिए, बीच बीच में हिलाते रहिए। प्याज हल्का ब्राउन हो जाने पर उसके बाद टमाटर डालकर उसको भून लीजिए। टमाटर भी कच्चापन निकल जाएंगे। उसके बाद टमाटर कच्चापन निकलने के बाद आप उसको सारा सामान डाल दीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा भून लीजिए, हल्का हल्का भून लीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे और इन्ग्रीडियंट उस पर एक एक करके डालते जाइए। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर जो हम रखे थे ना, वो पूरा उसमें डाल दीजिए। अब ये हल्दी जीरा पाउडर हम कढ़ाई पे डाल देंगे। इस पर पैन भाप भी चढ़ा दिया हमने, राइस चढ़ा दिया, क्योंकि राइस हम लोग घर के लिए खाना बना रहे हैं, तो एक साइड पे राइस चढ़ा दिया और एक साइड पे मैं अब सब्जी भी, चिकन का सब्जी भी पका रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को चिकन बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं हैं चिकन ज़्यादा। अभी यहाँ पर मैं सारे मसाले जो प्लेट पे दिखाए थे वो एक एक करके पूरा डाल देंगे, पूरा मसाला सब एक साथ पूरा डाल दें। हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर पूरा डाल देंगे। डालने के बाद उसको थोड़ा हल्का हल्का भूनेंगे, उसको हल्का हल्का अच्छे से भून लीजिए। और भूनने के बाद में आप जब उसको उसका भूनना हल्का हल्का ब्राउन होने लगेंगे, उसको थोड़ा सा हल्का पानी डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा हल्का पानी डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद पानी डालने के बाद पानी डाल दिया भर के, उसको अभी आप लाते रहिए। चिकन डाल देंगे, उसके बाद अच्छे से चिकन डालने के बाद उसको अच्छे तरह से हिला लेंगे, बचा था ना मसाला, करने के बाद पानी में डाल दिया उसको, पानी डाल के और थोड़ा सा अगर आपको जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। उसके बाद ढक दीजिए, कम से कम ढकने पर उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, भूनिए उसको हल्का हल्का। और बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो सामान का नाम आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज। उसके बाद आप इसको हटा के देखिएगा, जो बचा हुआ 20 मिनट के बाद गोभी का सब्जी है चेक करके और डाल दीजिए, अच्छे से पक गया है या नहीं। उसको भी अच्छे तरह अगर पक गया है तो ठीक है, मेरा तो पक गया है, मिला कर डन, उसको डन बिल्कुल हिलाते रहिए। तो अभी इसको मैं उतार लूँगी, अच्छे से मसाला से मिला लीजिए। नमक कितना है, लेकिन अच्छा हुआ नमक में देखा टेस्ट करके, ये अभी बहुत ही बड़ा, थोड़ा सा छोटा हो गया, बड़ा